बात करते हैं, आप हैं हमें, हम जैसे लोग के जो बिल्कुल फोर्स बिल्कुल होती हैं, शादियां की जाती हैं, उनके मजहब चेंज किया जाता है बच्चियों के, बिल्कुल और उनके आपने बयानात, वो मियाँ मिट्टू साहब हैं वो भी कहते हैं, बिल्कुल, बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि मासूम बच्चियां 15 साल 16 साल उस 12-13 साल उम्र, की, हाँ जी, और वो उन्होंने बिल्कुल हजारों में की है, बिल्कुल। जुल्म है, इंतहा दर्ज। इंडिया के अंदर मैं एक चीज कहूंगा, और वो ये है कि 25 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है, वो जी माइनॉरिटी नहीं है, मैं उनको कहूंगा। यहाँ पे जी 26 करोड़ में से 1 करोड़ हिंदू या सिख या ईसाई अगर रहते हैं, तो मैं उसको माइनॉरिटीज कह सकता हूँ, मतलब वो शायद 2 या 3 मैक्सिमम परसेंटेज बनती है, लेकिन वहां पे अगर हम मैं देखूं तो 15-20% लोग रहते हैं। दूसरी बात, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की धमकियां देता है, तो यकीन करे कोई हिंदू लीडर मैंने आज तक नहीं देखा मेंशन कर जितना, चुकी हूँ उनको, हाँ यानी वो यानी तो मैं बता ही ये चीज लगाते को मैं सेकंड मैं वो करूंगा थोड़ा सा हमारा, कि ये क्रेडिट उनको जाता है। यकीन करे मैं ये नहीं कहता कि वहां पे कभी कुछ नहीं हुआ होगा या कुछ होता नहीं या आइंदा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा इवन यूएस में होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि वहां पे असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह खड़े होके जो धमकियां मारते हैं, यहाँ आप पे किसी यकीन हिंदू माने, मैं सिख उनको देख के क्रिश्चियन, मुझे वही लगता है जो पाकिस्तान, वो सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं मुसलमानों जी को, आग लगाते हैं, नफरतें फैलाते हैं जैसे जी या, और उस इंसान से मुझे सुन के नफरत महसूस होती है, क्योंकि उसने वहां पे रहने वाले मुसलमानों की जिंदगियां हराम की हुई हैं, दिमाग खराब कर करके, और बिल्कुल उन जैसे बिल्कुल बहुत सारे यहाँ पर भी हैं। मैं वो बात सपोर्ट नहीं करती फखर बिल्कुल साहब, मैं जी एक बिल्कुल जो मेरी मुझे लॉजिकली जो समझ आती है, मैं बस बिल्कुल बात वही करती हूँ। मुझे जी लगता है हमारे आला हल्के चाहते जरूर है कि मोनोपोली से निकले इस से, लेकिन मुश्किल है, आवाम का साथ। अवैसे साहब इतना क्यों करते हैं, वजह आपको, बिल्कुल उनके पास भी आवाम की ताकत है, क्योंकि बेवकूफ बनाया है उन्होंने आवाम को, बिल्कुल उनको भी कोई नहीं बिल्कुल छेड़ सकता। नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल। तो थोड़ा सा खैर आते हैं वापस। अच्छा, अभी जिस तरीके से मैं 2-3 दिन पहले मुख्तलिफ वीडियोज आए कहते जेलम में, या फिर अभी जो ईद पे लोगों को कुर्बानी करने का जो इशू हुआ व्हाट हैपेंड, स्पेशली अहमदिया के साथ, मतलब उस चीज को हम अफसोस के साथ कि हम ऐसा वो एक जिसे कहते हैं कि हमारा एक माइंड सेट बन गया है कि हम कहते हैं कि जो मैं फॉलो करता हूं तो वही मैं इम्पोज करूं अमारा के ऊपर, या अगर अमारा के पास कोई इन्फ्लुएंस है तो अमारा कहती है कि जी मैं दूसरे के ऊपर इम्पोज करूं। ये चीजें हम अफसोस के साथ हम इससे निकल नहीं पा रहे, और फिर बात वही पे आती है कि फिर हम ब्लैकमेल होते हैं, वो एहसन इकबाल साहब के साथ जो कुछ होता हुआ हमने देखा, ब्लैकमेल जाहिद होते हैं, हामिद साहब के साथ जो एग्जैक्टली कुछ हाँ होते हुआ, हैं, या बाकियों के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसे बिल्कुल इनकार नहीं करता, और मुझे अफसोस है कि इन के साथ बड़ी ज्यादती हुई, बहुत ज्यादती हुई इनके साथ। एहसन इकबाल साहब को अल्लाह ने बचाया, वरना वो उनको कोशिश तो पूरी की गई थी उनको आप मारने खुद फिर की। अंदाजा करें। अभी मैं इसीलिए उनकी बात कर रही थी कि वो बेचारे क्या करें, जहां बात करते हैं गोली मार दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अमर, इससे निकलने का असल तरीका क्या होगा? चले मैं कहता हूं, चले आज हम इस बकवास में मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन क्या कोई आपको लगता है कि हम कोई डायरेक्शन हम पकड़, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में हो जाएगा, या मैं यूं करूंगा बटन दबा दूंगा आप बटन दबा देंगी और सारा कुछ बिल्कुल ओके ओके हो जाएगा, ये नहीं, लेकिन आखिर कोई डायरेक्शन तो होती है ना। हम कहते हैं कि यार लोगों को आहिस्ता आहिस्ता से इस एक्सट्रीमिज्म से या इस चीजों से निकालना है, क्या वाकई हम उस तरफ कहीं कोशिश कर रहे हैं, आपको कहीं नजर आ रहा है सोसाइटी में? मैं ये समझती हूँ कि इसके लिए स्टेट 2-3 काम कर सकती है, और स्टेट के पास, मैं स्टेट से मुराद मेरी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रही। पॉलिटिशियंस भी कुछ कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन बाकी मेन सिलेबस बदलें, सिलेबस में जो फैलाई गई नफरतें हैं, सिलेबस वाह के जरिए लोगों में अमन दोस्ती भाईचारे का सबक दें, और हर चीज में मजहब को मत घुसेड़ें, रियाजी साइंस हर चीज, बच्चों को साइंस पढ़ाएं, बच्चों को तरक्की वाले मामला, तरक्की याफ्ता ख्यालात की तरफ उनको या वापस इतने हजारों साल पीछे मत लेकर जाएं, सिलेबस बदलें। उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अपने यस मौलवी जो है एग्री वो स्टेट कंट्रोल करें, हर मुसलमान मुल्क में, मुस्लिम कंट्री में मौलवी जो है वो स्टेट स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं। आप बिल्कुल है स्पीकर पे बात यस करें या बाहर भी, आप सऊदी अरब को देख लें, मलाइशिया को देख लें, तुर्की को देख लें, कोई भी मौलवी नफरत नहीं फैला सकता कुछ भी। बिल्कुल ठीक हमारे यहाँ ये मुकम्मल आजादी है, स्टेट पाबंदी, वो मजहब की तबलीग करें, वो बिल्कुल जो वो उनसे वो जितना ठीक चाहते हैं है, वो करें, लेकिन नफरतें ना फैलाएं, उनको कंट्रोल करें रियासत। और अपनी इसमें मर्जी किसी और पे मुसल्लत करने की कोशिश ना करें, दूसरे के ऊपर अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर कोई किसी भी मुसल्लत कर, किस्म की किसी भी दूसरे, क्योंकि जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कई फिरके रहते हैं, इस्लाम में भी बिल्कुल वहां बिल्कुल गैर मुस्लिम को छोड़ दें,
सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी बहुत सारे फिरके रहते हैं, तो उसको लेकर कानून बनाए जाए कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या सोशल मीडिया पे बैठ कर किसी के मसलक या मजहब के बारे में बात नहीं करेगा। मजहब अपने जो भी मेन चीज है उसके बारे में जरूर आप बात करें, कुरान सुन्नत हदीस अच्छी बात, लेकिन आप किसी के मसलक को नहीं छेड़ेंगे, किसी के लिए नफरतें नहीं फैलाएंगे, आप टीवी पे बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ के कादियानियों को गालियां नहीं देंगे, ना आप सोशल मीडिया पे देंगे, ना आप शियों के लिए नफरतें फैलाएंगे, ना आप इस तरह के, ये कानून बनाए जाने चाहिए और उसके ये कानून के बगैर मुमकिन नहीं है। और इसको स्प्रेड को कंट्रोल सेकुलर ना सही लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस को बेहतर तरीके से साइंटिफिक करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि अपने थोड़े मौलाना हजरात या अपने जो स्टेट वाले मौलवी पाले हुए हैं सबने, उनको कंट्रोल करें और उनको कहें कि जी नफरतें फैलाना कम करें। और सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल बात करने जा रही हूँ, बहुत बड़ा तबका हमारा जो है पीरी मुरीदी में मुबतला है, जो पीर हजरात हैं गद्दी नशीन जो जो जहां जहां भी हैं, मैं तो इवन बरेलवी मसलक से हूँ और हम लोग तो पीरी मुरीदी में, हमारा तो पूरा खानदान और हम तो बहुत आगे, मेरे अलावा मैं तो नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरा ओके नो प्रॉब्लम जी जी। हाँ तो मैं ये समझती हूँ कि स्टेट उनको कंट्रोल करे जी, सबसे ज्यादा पैसे वो कमाते हैं नफरतों में, इतना पैसा वो कमाते हैं, इतना पैसा वो कमाते हैं कि आपकी सोच है, और उन्होंने अपने बच्चे बाहर सेटल कर दिए हैं, वो लैंड टूजर पे फिरते हैं, करें वो सब कुछ करें, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पीरी मुरीदी में उन्हीं, वो जो वो कह देंगे वो मान लेंगे, सिर्फ मौलवी 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 ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, कोई नहीं सुनता, मौलवी वो सुनते हैं जो किसी मदरसे का लीडर होता है या वो किसी पीर, किसी का पीर होता है, आम बेचारा मौलवी ऐसे ही बदनाम है, आम मौलवी की कोई नहीं सुनता ना कोई इज्जत करता है, ये पीरी मुरीदी वाले हैं जो करते हैं, तो उनको कंट्रोल करे रियासत, वो चाहे वो जिस भी मसलक के हैं, जिस भी मसलक के हैं। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा हमारा थोड़ा सा दूसरी तरफ आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ, ये भी क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ मसला था इसलिए मैंने इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश की, क्योंकि पता ना लग जाए किसी वो पीरी मुरीदी वाले मैं खुद भी खैर पीरी मुरीदी तो नहीं कह सकता, बट मतलब आई फॉलो मैं तो बस ये चाहती हूं कि स्टेट सूफीज्म को मैं फॉलो करता हूं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि जहां पे मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो मैं मतलब वो सारे पूछता हूँ, लेकिन आज तक ट्रेन करे ना टीचर्स की तरह, उनको मैं कहती हूँ पीरों को अपने ट्रेन करें, मैं मजाक कर नहीं कह रही मैं सीरियस कर रही हूँ, उनको जीएचक्यू बुलाएं, ये जो सारे पीर हैं आपके, और इनको ट्रेन करें, जाते इनको तो है। कि आपने कहां कहां तक आपने कितना कितना आपने माइंड वॉश करना, कहां पे बस करनी, कहां पे नहीं, हमारा जाते तो है अभी वो 9th मई वाला जो हुआ मुझे उस दिन जाते नहीं, मैंने कहा ट्रेनिंग के लिए जाते वाते थे, क्योंकि 9th मई का उस दिन मैंने बहुत सारे बड़े बड़े पीरों को पाकिस्तान के देखा, तो मुझे मैं कहीं पे बैठा हुआ था तो मुझे एक साहब ने कहा, कहते यार मुझे बहुत बुरा लगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, तो बस कर दो यार बहुत हो गया, मतलब जितना हो गया गलत हुआ या सही हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं जाना चाहिए इस तरह की उसके ऊपर। खैर आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की एम्बेसी, अमर आपको अगर याद हो 2021 या 2022 में जकार्ता के अंदर भी हमारी एक एम्बेसी सेल हुई थी, और उस वक्त के जो एम्बेसडर से साहब थे हमारे शायद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, उन्होंने उनको सेल किया, लेकिन उसके बाद अब यकीन करें कि किसी ने चूं तक नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना फॉरेन ऑफिस ने ना किसी और ने, अब उसके बाद चलो ये वाली तो एक ओपनली इन्होंने ऑक्शन किया, वजह भी हो सकती है जी, हफीज खान साहब ने इसको खरीदा है इस एम्बेसी को, क्या देख रही है कि बाकी दुनिया में भी ये ट्रेंड है, ये चीजें होती है, या हम अनोखे हैं दुनिया में 204-205 कंट्रीज में से? अच्छा ये इसके बारे में जितनी मैंने रिसर्च की है, एम्बेसी जो है ये आपने 2000 में हमने एक और बिल्डिंग भी खरीदी थी वाशिंगटन की उसी करीब ही, इसी के करीब ही जी, और उसके बाद ये हमारी एक नहीं दो बिल्डिंग्स हैं इस वक्त, फिर 2009 या 10 की बात है मेरे ख्याल में, यूसुफ रजा गैलानी ने उनकी रेनोवेशन करवाई और काफी डॉलर्स जो है मिलियन के करीब, आई डोंट नो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं उन्होंने खर्च किया, लेकिन वो न्यू वो जो बिल्डिंग 2000 में खरीदी गई थी, इस बिल्डिंग की रेनोवेशन नहीं करवाई गई थी, अब ये इट वॉज फॉलिंग अपार्ट, बिल्कुल उसकी हालत खराब थी, इसको बेचना था, हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी बेचना नहीं चाहिए था, लेकिन एक और बिल्डिंग थी इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाना तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मुझे जो ज्यादा चीज अजीब लगी वो एक और है इसका सिलसिला जी। आप देखेंगे इसको पहले सेल किया गया जनाब, एक अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके साथ डील की गई, सेल नहीं किया गया डील की गई क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाई, बाद में वहां पे पता चला कि ये इसका एक ज्यू है वो है इनके ऑनर है,
पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहां पे रोना डाल दिया, उन्होंने कहा ना जी ना, हमने तो हमने बेचनी जरूर है लेकिन हमने किसी यहूदी को नहीं बेचनी। उसके बाद फिर उनसे वो वापस, हालांकि वो ज्यादा रेट दे रहे थे, अगर आप देखें, अगर आपको कुछ जेन्युइन रीजंस भी थी सेल करने की। उसके बाद एक और के साथ डील हुई और वो मुसलमान थे और उन्होंने पाकिस्तानी ने शुक्र अदा किया कि चलो को मुसलमान मिला। पता चला कि बाद में वो हाफ इंडियन है हाफ पाकिस्तानी है क्योंकि उसके पेरेंट्स में से हाफ, तो अब वो मुसीबत निकल आई, फिर उससे भी वो वापस डील कर, इंडियन को भी नहीं बेच सकते। अल्लाह अल्लाह करके हफीज साहब जो है वो मुकम्मल पाकिस्तानी है, नस्लन पाकिस्तानी है, माँ से बाप से। तो अब हमने कम रेट में सही, लेकिन हमने हफीज साहब को ये बेच दिया। असल को मसला ये है कि हमने कम रेट में भी $1 मिलियन में, वो भी कम नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको बेची हमने, वो अब पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी। इस मामले में हम बहुत बाशऊर है, बेगैरत नहीं बागैरत है, ना ज्यूस को बेचते ना हम इंडियन को बेचते हैं, बेचते हम जरूर हैं हम, मतलब इस मामले में आप हमें ऐसे ना समझे, हमारे अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। तो हमने बेची, तो हमें बहुत रेट मिल रहा था ज्यूस से भी और इंडियन से भी, हमने नहीं बेची, तो हमने बेची तो हमने पाकिस्तानी को बेची। और अब वो उन साहब से पूछा गया तो उन्होंने अभी तक तो कोई भी कुछ नहीं बताया कि वो इसका क्या करेंगे आगे, लेट्स सी क्या होता है। चलो शुक्र है मैं तो सुकून से सोती हूँ कि अब किसी ना ज्यूज को भी की है ना किसी इंडियन को, आप भी खुश हुआ करते हैं। अगर हमारा, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं तो ये कहता कि अगर यार ज्यूज वाले सबसे ज्यादा अगर वो $7.1 मिलियन की जगह जो है वो $10.7 मिलियन दे रहे, तो भाई उनको दे दो, आपने क्या करना है। नहीं, ये माइंडसेट अफसोस मुझे होता है, मुझे बड़ा नहीं, नहीं, मतलब फिर हमारे हमें आप क्यों बेगैरत बनाना चाहते हैं, हम गैरतमंद कौम है, अय्यूर कौम है। अच्छा बिल्कुल सही है। अच्छा हमारा अगर हम इतने मतलब हम कहते हैं फिर ये IMF ने 8-10 महीने हमसे जिसे कहते हैं ना नाक से लकीरें खिंचवा के छोड़ी है, यकीन करें मतलब एक दफा यकीन करें, हमारा एक दफा आज से 2-3 साल पहले मेरा नेटिव सिटी है मरदान, में कहीं जा रहा था तो किसी का कोई हॉस्पिटल में थे तो मैं उनके लिए जूस ले रहा था वहां से, तो मैंने शॉप वाले से कहा, मैं कहा सामने 2-3 फ्रीजर्स लगे हुए थे, मैं कहा शेजान का जूस नहीं है, तो उसने मुझे ना यूं करके देखा, मैं कहा भाई क्या हुआ, नहीं है कि है, कहते यार हम ये कादियानियों की चीजें थोड़ी बेचते हैं आपको नहीं, तो मैं कहा यार इस फ्रीजर के अंदर मुझे मुसलमानों वाली कोई दिखा देना जो आप कह रहे हैं, ये तो सारा नस्ल है और इसका पड़ा हुआ। कहते नहीं नहीं इस तरह की चीजें हम नहीं बेचते। मैं कहा भाई नेस्ले तो पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, ये भी तो उनकी कंपनी है ना, मैंने कहा 150-200 साल हो गए इसको मार्केट में आए हुए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अफसोस कि हम हमारी मतलब ये गैरत इस तरह की चीजों में, मैं कहता हूँ ये बेगैरती वाली उस जगह पे क्यों आती है, माइंड वॉश किया गया, जहालत है। बाकी ये है कि कादियानियों के लिए तो अक्सर दुकानों के ऊपर लिखा होता है, मैं आपको कई पिक्चर्स अपलोड कर सकती हूँ कि मैं बाजार जाती हूँ कादियानियों के साथ खरीदो फरोख मना है, हम नहीं करते, दुख होता है कादियानियों के, जो क्योंकि मैं चनियोट से हूँ और रवा हम जाते थे और हॉस्पिटल उन्हीं का, हम उनके हॉस्पिटल्स में जाते थे और बड़ी अच्छी सर्विसेज होती थी और वहाँ पे हम जाना मुनासिब समझते हैं, रेट्स उनके अच्छे हैं और वो एक वो मतलब वो यूं समझ लें कि टेक्निकली या फिर वो अपने उसमें वो जो उनकी फील्ड है उसमें वो बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ जाना पसंद करते हैं। लेकिन अच्छा ये जहालत है फैलाई हुई, बाकी कोई भी चीज आप मुझे बता दें जो ज्यूस की नहीं है या जो बाहर की नहीं है। कादियानियों को हमने गैर मुस्लिम करार दे चुके हैं हम, अब इससे ज्यादा अगर आप चाहते हैं तो आप एक और कानून लेकर आए कि उनको मुल्क बदर करें, बाकी इंसानियत सिखाएं। मैं फिर यही कहूंगी कि ये स्टेट का काम है कि जीने दें कि गैर मुस्लिम ही सही, लेकिन उनको अच्छा ये सारी पावर गेम है ना, इससे बहुत से लोग जो उनका इससे मफाद जुड़ा है इसलिए वो ये नफरतें फैलाते हैं। अदरवाइज मैं और आप जैसे लोगों को नहीं पता और हमारे बच्चों को ये माइंड वॉश किए जाते हैं। तो ये जब आप मस्जिदों में जाते हैं तो आप जुम्मे का खुतबा सुना करें, वहां पे ये चीजें बताई जाती हैं। जो अमेरिका और यहूदियों की जब ये दुआएं मांगी जाती तबाह होने की, तब इन्हें ये कभी ख्याल नहीं आया कि वहां पे कितने मुसलमान भी रहते हैं अमेरिका में और पाकिस्तानी भी। हर जुम्मे में ये दुआ की जाती है कि अल्लाह उसको गारत करे तबाह करे मुझे, और इसमें कोई ये मतलब ये सिर्फ जहालत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके लिए आपको अपना सिलेबस बदलना होगा, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करनी होगी, अपने मौलाना और मुर्शिद हजरात की ट्रेनिंग करनी होगी, अदरवाइज मैं और आप कुछ नहीं बदल सकते। अच्छा हमारा एक आखिरी और वो यही है कि हम मैंने IMF की बात आपसे की, हमने ये सारा कुछ बेयर किया ठीक है, अभी जिस तरीके से